बोलिए पहला फर्स्ट फॉर्म में कौन सा था? कॉपी लाइन कोई बच्चे मेरी ये कॉपी क्वेश्चन नंबर 28 में लाएंगे पहले, ठीक है? पर आप लोग में से कितने ऐसे बच्चे जो डे कॉलेज में पढ़ते हैं? आपका कौन से कॉलेज है? क्या किस किसी से कॉलेज है? बंद नहीं होगा? अच्छा, मैंने और खुलेगा नहीं? सोचेंगे। आपका कौन सा कॉलेज है? हिरम्बा। और ये शशि हिरम्बा। हिरम्बा किस दिन हो रहा अभी? वेडनेसडे। कितने बजे से? 11:45। अरे हम ऐसा करें तब तक ना कि दो दिन आफ्टरनून में शिफ्ट कर दे रहे, ठीक है? और दो दिन जो नॉर्मल टाइम था वही रहने दे रहे, देख क्या हो रहा है। मतलब ऐसे ना मंडे वाला क्लास जो मंडे वाला क्लास अगले हफ्ते से ट्यूजडे कर देंगे। आफ्टर ट्यूजडे को इसको कॉल नहीं करो। कौन सा कॉलेज है? कितना छुट्टी होता है? आइए कॉलेज से क्या जाएंगे मंडे वाले, ठीक है सर? मंडे को ठीक है सर। जिसका जिसका मॉर्निंग कॉल ही रहेगा ना वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना लिखियो देखो। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000। टू एम लाले 200। फिर टू एम लाले कमीशन, ठीक है? ठीक है, कौन ठीक है? ये तीन तो ठीक है। स्टॉक रिजर्व 1,000, ठीक है? लोडिंग कितना देखो 2,500 है क्या? हाँ। सेल प्रोसीड 13,000। कंसाइनमेंट स्टॉक 8,080, ठीक है? अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू निकालो, कितना अनसोल्ड स्टॉक है? 8,020, ठीक है? आइए अगला होमवर्क, शुभम कौनटा कोई चीज बोल। তারপরে টু ব্যাংক 600, টু শিলা 500, শিলা কত? অ্যাডভান্স নিবি কেন? ও শিলা বল নাম আছে বলে অ্যাডভান্স অ্যাড করে নিবি, অ্যাডভান্স এক মাস না। শুধু এক্সপেন্স, শুধু এক্সপেন্স ক্যা বাইক পে নিয়ে নিয়ে হ্যাঁ আপ অ্যাডভান্স কিতনা নিয়ে? 2 শিলা অর্ডারি কমিশন 525। স্টক রিজার্ভ কত বল? 500 আছে। আচ্ছা এই পেশেন্ট চলে এই দেখ তো বাই গুডস এর কনসার্ন কত আছে? আছে 2500। সেই মানে লোডিং কা স্টক লোডিং কা নিয়ে অসুবিধা আছে দেখ দেখ কম্পোজ কি বলেছে দেখ 100 কেসেস অফ গুডস ভেজ রে গুডস ওয়্যার চার্জ ফর ফার্ম ইনভয়েস ইনভয়েস ভ্যালু এ 10,000 কে আমরা কম 10,000 ইনভয়েস ভ্যালু হতা হে तो लोडिंग का रेट किसका लेंगे? लोडिंग का रेट किसका लेंगे? अमाउंट 10,000 होता है तो लोडिंग किसका लेंगे? लोडिंग का रेट ऐसे हमारा लोडिंग का रेट भी 10,000 का ही, सॉरी इनवॉइस का ही लेंगे।
यहाँ पर लोडिंग क्या बोला है 25% ऑन इनवॉइस दिया हुआ है, चेंज नहीं करना पड़ेगा। यदि इसको आप 25/125 या 25/75 कुछ भी करिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि अमाउंट यदि इनवॉइस का होता है तो परसेंटेज भी किसका चाहिए हमको, इनवॉइस का चाहिए ना। इनवॉइस का परसेंटेज कितना हम लोग का 25% 2500 होगा, 10,000 × 25% सीला सेल प्रोसीड 10,500 कंसाइन स्टॉक का देखो ठीक है ठीक है कौन सा कॉलेज आपका टेंशन फ्री है होगा नहीं कॉलेज बात होगी अब अगला होमवर्क नहीं आपको तो होमवर्क करना नहीं अभी जेम फ्रॉम होमवर्क है सर फ्राइडे नहीं है 30 नहीं है नहीं आया झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा सर नहीं आया सर फ्राइडे आया था सर ये बताइए तो क्वेश्चन 30 टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 30 हाँ 15,000 ठीक है देखो तो है अच्छा 22 गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितना निकाले हो नहीं निकाले हो देखो ध्यान समझना ये क्वेश्चन के अंदर ये क्या दिया हुआ था ये आईपी दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आईपी दिया हुआ है ठीक है और लोडिंग का जो रेट है लोडिंग का जो रेट है रेट देखना लोडिंग का रेट है 25% सीपी पर है तो हम लोडिंग का रेट किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे उसको सेल्स में कन्वर्ट करेंगे सही बात है तो सेल्स में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा 25/125 होगा कॉस्ट से सेल्स में जा रहे ना 15,000 × 25/125 कितना होगा 3,000 बाय मित्रा एंड कंपनी सेल प्रोसीड कितना बताओ 9,800 बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कंसाइनमेंट का लॉस कितना देखो 3,000 × 30/150 ठीक है क्या कितना निकलगा 600 अच्छा ये कमीशन देखो ठीक है ये ठीक है तो प्रॉफिट कितना मिलगा अगला होमवर्क क्वेश्चन नंबर 30 टू रेडी करो फॉर्म मुस्तफा कौन सा कॉलेज है आपका कौन सा कॉलेज है क्वेश्चन नंबर 32 फॉर्मेट रेडी करी
अरे मोबाइल को साइलेंट करिए आप लोग। हाँ सर। आई क्वेश्चन जोर से करके सुनाइए। मोहित 32 DK traders of Kolkata consigned goods costing 75,000 to Ramesh traders of Patna. The invoice was made so as to show a profit of 33.3% on cost. DK traders paid ₹900 as carriage and ₹1400 as freight and insurance. Goods costing 7500 were destroyed while in transit and the insurance company admitted the full claim. Ramesh traders in Patna paid ₹600 as carriage and ₹800 as godown rent. Two-thirds of the goods received by Ramesh traders were sold by them at invoice price. Ramesh trader sent a check to BK traders for the sale proceeds after deducting the expense incurred by them and the commission due to them. Ramesh traders was entitled to ordinary commission at the rate 7.12% and Del Grade commission 2% on sales. In the books of BK traders, फर्स्ट कौन सा अकाउंट है? कंसाइनमेंट अकाउंट। रजिया कौन खोड़ा आई टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, हम देखेंगे ब्रैकेट में नोट वन। ठीक है, आई नोट वन कैलकुलेशन फॉर आईपी ऑफ गुड्स कंसाइन IP of goods consigned। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, जो गुड्स कंसाइंड है उसका कॉस्ट कितना बताइए? 75,000। ठीक है, अच्छा लोडिंग का रेट, लोडिंग का रेट क्वेश्चन बताएंगे। लोडिंग का रेट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 33.3% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। 33.3% को हम लोग क्या दिया करते थे? 1/3 ऑन सीपी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि 1/3 को चेंज करें क्या? 1/3 को चेंज करेंगे? 1/3 जो कॉस्ट है उसको क्या सेल्स में कन्वर्ट करें? नहीं, बोल क्या नाम है? हाँ, बिकॉज ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन, हम लोग का रूल क्या है? ये रूल ये है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज भी कॉस्ट प्राइस का ही होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये 75,000 कॉस्ट प्राइस है। अब 1/3 जो है ये भी क्या है हम लोग का? कॉस्ट प्राइस ही है। इसको 1/3 को चेंज करने का जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, देयरफॉर लोडिंग इक्वल्स टू 75,000 इंटू 1/3 25,000। देयरफॉर IPO IPO of goods consigned कितना होगा बताओ?
75,000 कॉस्ट प्राइस है, 25,000 का लोडिंग है, कितना होगा? 1,00,000। ठीक है, हटाएं, सभी का हुआ। तो गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट कितना होगा? 1,00,000 रुपया होगा। फ्रेट माना बाय गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट, इसका लोडिंग कितना होगा? लोडिंग बताओ तो 900 for carriage and 1400 for insurance. Two goods. गुड्स एंड लिख लिया क्या? सही बात, गुड्स एंड लिख चुके हैं तो बैंक अकाउंट क्या क्या खर्चा उसका बताओ। कैरेज और फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कैरेज है उसका 900 और इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना है उसका? 1400। फ्रेट एंड इंश्योरेंस है उसका 1400। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 7500 वेयर डिस्ट्रॉयड व्हाइल इन ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम। 7500 का गुड्स कॉस्टिंग है, ध्यान रखना गुड्स का क्या है? कॉस्टिंग मतलब जिस गुड्स का कॉस्ट प्राइस 7500 रुपीज था वो डैमेज हो गया। ठीक है, वर्किंग करते समय हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे। रमेश ट्रेडर इन पटना पेड 600 एज फ्रेट एंड 800 एज गोडाउन रेंट। ये कौन पेमेंट किया? रमेश ट्रेडर। ठीक है, डेबिट माना टू रमेश ट्रेडर्स अकाउंट। कैरेज इतना, कैरेज 600, रेंट 800, 49, 2/3 of goods received by Ramesh Trader were sold by them at invoice price. मतलब 2/3 goods को बेच दिया, किस price पर? Invoice price पर। देखो यहाँ quantity लेके झमेला, हम क्लास में क्या सिखाए थे, जब भी किसी question में quantity लेके झमेला रहे तो सबसे पहला काम क्या करना? Working कर देना। क्या करना पहले? Working करना। Working से clear हो जाएगा कितना क्वांटिटी हम लोग बेचे हैं। ठीक है, अच्छा और क्या देख लो, रमेश ट्रेडर सेंट अ चेक, सेंट किया, एंड रमेश ट्रेडर का एक्सपेंस क्या है? कमीशन क्या? ऑर्डिनरी कमीशन 7.5%, डेल ट्रेडर कमीशन 2.5%। आइए टू लिख लो, रमेश ट्रेडर अकाउंट ऑर्डिनरी कमीशन
नंबर टू कैलकुलेशन फॉर abnormal loss and unsold stock. राइट हैंड में दो कॉलम, एक क्वांटिटी एक अमाउंट होगी। अच्छा क्वांटिटी लेके करेंगे ना, कैसे देखो आईपी ऑफ गुड्स कंसाइंस, जो गुड्स कंसाइंड है उसका आईपी, क्वांटिटी क्वेश्चन में नहीं है ना, हर्ष है क्या? नहीं नहीं, इसको हम क्या करेंगे, लेट और वैल्यू आपका कितना निकला है, 1,00,000 क्या? आईपी वैल्यू 1,00,000 कंसाइनर एक्सपेंसेस कितना, कंसाइनर एक्सपेंसेस 2,300, तो क्वांटिटी कितना हुआ आपके पास 100, 1,02,300 लेस एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, समझते हैं थोड़ा सा, देखिए एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, देखो गुड्स हम लोग कितने का भेजे थे, 75,000 रुपीज का, और गुड्स कॉस्टिंग रुपीज कितने हैं, गुड्स डैमेज हुआ 7,500 गुड्स डैमेज हुआ, ठीक है। इसको देखकर ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि स्टेट समझ में आ रहा है कितना परसेंट डैमेज हुआ, 10%, ठीक है। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट कितना हम लोग का 10, ठीक है, ये कितना निकलेगा 10,230, इसका 10% है 10, इसका भी 10% निकाल लो, बैक लिख लो 10%, कितना बचा 90, लेस कर 92,070, ठीक है। और कंसाइनी non-recurring expenses, कौन सा बताओ तो non-recurring expenses? कैरेज होगा 600, एकदम क्लियर क्वांटिटी सोल्ड कितना बेचिएगा, देखिए इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जहां पर सेल का इंफॉर्मेशन है इंग्लिश पढ़िए। आप क्या बोला, 2/3 और गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड कितना था उसका 90 का 2/3 60 क्वांटिटी सेल हुआ ना, अनसोल्ड क्वांटिटी कितना होगा 90 से 60 को लेस कर दो कितना बचेगा 30, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकालो 92
670 को डिवाइड किससे करेंगे 90 से मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30,890 से 890 सबका हुआ हटाएं। अब देखिए सेल कैश नहीं दिएगा, सेल यहाँ पर बोला था वहाँ पर पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो सेल का इन्फॉर्मेशन तो सेल का एंट्री में नहीं लिखे हैं क्या, नीचे लिखे फाइल क्या नाम है उसका सेल प्रोसीड कैसे निकालेंगे बताओ तू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू थर्ड ऑफ गुड्स रिसीव्ड वर सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस ना, कितना बेचा है इनवॉइस प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस हम लोग कितना बताओ तो, हम लोग इनवॉइस प्राइस कितना है 1,00,000, हम लोग इनवॉइस प्राइस है 1,00,000, 1,00,000 कितने गुड्स का है 100 गुड्स का, आप बेचे हैं कितना 60, उसका वैल्यू निकाल लीजिए क्या 60,000 ठीक है, इसका कमीशन निकालो डेबिट में, ऑर्डिनरी कमीशन होगा कितना 4,500, टेलकेटर कमीशन 1,500, शेयर एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यू बताओ 1,020,230, कंसाइनमेंट स्टॉक बताओ 3,4,3,0,8,9,0,8,9,0 ठीक है। अब देखो ये जो आप नॉर्मल लॉस हुआ है इसका क्या हटाएंगे डेबिट में, लोडिंग एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग डेबिट में हटेगा बिकॉज स्टॉक है, डेबिट में लिखेंगे 2 abnormal loss additional loading निकालो ब्रैकेट में 25,000 जो लोडिंग है तो पूरा 100 गुड्स का लोडिंग है 100 का, आपका डैमेज कितना हुआ था 10 2,500 टू स्टॉक रिजर्व कैसे निकालें बताओ तू, 25,000 किसका लोडिंग है 100 का, 30 का निकाल लो 7,000 निकालो तो प्रॉफिट एंड कंसाइनमेंट25,000 जो है 100 का लोडिंग है 30 का निकाल लेंगे ठीक है, क्या बोला फिर से बोल, एक बार टोटल का निकाले जो पूरा 1,00,000 जो आया था 1,00,000 क्या है, 1,00,000 क्या लिखी नहीं है सर, टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट वाला
ये तो वर्किंग है, तो हम यहाँ से निकाले जो गुड्स एंड कंसाइन है, तो इनवॉइस प्राइस है घर में कोठा है वो खोलेगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, पढ़ाई लिखाई बहुत डिफिकल्ट थी। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें तीन अकाउंट करने बोला है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, एक गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट और एक प्रसाद अकाउंट। ये किसका अकाउंट है? प्रसाद, प्रसाद मतलब कंसाइनी होगा, ठीक है। एक गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट है, इसका मतलब जहाँ पे लिखते थे हम लोग ना बाय एब्नॉर्मल लॉस, उसको क्या लिख देंगे बताओ, तो लिख देंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, तभी तो लेजर बना पाएंगे ना। क्या बात है, समझ में क्या बोल रहे हैं? तीन लेजर रेडी करिए, कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स लॉस और फायर अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट, वन एंड हाफ पेज। कंसाइनमेंट अकाउंट बड़ा होगा, होता है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट एंड उसके बाद है प्रसाद अकाउंट। पर आप लोग को सबसे पहले फोकस करना है कंसाइनमेंट अकाउंट पर, ठीक है, एग्जाम हो जाए। जो बोलिंग हो जाएगा पेपर में छपा रहेगा,
नहीं आएगा तो दुर्दशा को नहीं वो आएगा ना रोशन एक ही रोशन बोलने आएगा मालूम बोलेंगे पैंतीस पैंतीस उसका नहीं मन किया छत्तीस बोलेंगे आएगा वो आएगा मोहित क्वेश्चन पर बोला कि 1 जुलाई को मूर्ति ऑफ चेन्नई जो है कंसाइन किया प्रसाद और पटना को इनवॉइस प्रोफॉर्मा 25,000 इनवॉइस प्रोफार्मा क्वेश्चन ये राइज होता है कि 50,000 क्या है कॉस्ट प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है आई पी है हम लोग लिखते हैं ना टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट पहला एंट्री वो किस पे होना चाहिए आई पी पे होना चाहिए पहला एंट्री का सोल्यूशन निकल गया बोले दिस वॉज मेड बाई एडिंग 25% ऑफ कॉस्ट इसमें लोडिंग जो लिया गया है लोडिंग कॉस्ट पे कितना परसेंट लिया गया कॉस्ट पे तो हम क्या करेंगे 50,000 का 25,000 निकाल देंगे जैसे निकालेंगे वो काटना जीवन में कभी सवाल नहीं सीख पाएंगे उम्र बीत जाएगा सम्स नहीं सीख पाएंगे सम्स सीखने का रूल क्या बताएं ऊपर जो पढ़ाई लिखाई करेंगे वाजपेयी जी तो रूल क्या है पढ़ाई लिखाई का नहीं नहीं वो तो ठीक है वो तो आप समझदार हो सकते हैं लेकिन हम क्या बोल रहे हैं जैसे ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो पढ़ाई लिखाई का तरीका क्या है बहुत कुछ नहीं समझ आता क्या बता रहे हैं हम सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे समझ कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाता है एक बार मतलब हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जैसे क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आएगा फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे समझ तो इंग्लिश है उसी बोलता रहे मतलब हम लोग कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं अपने आगे बढ़ रहे हैं तो कहानी सुना रही है क्लास 11 का बच्चा लोगों ने पढ़ाई थे ट्रायल बैलेंस ठीक है तो जैसे पढ़ाने का तरीका मेरा सेम ही रहता है वो कागज दिखाते हैं नोट्स दिखाते हैं ये याद करके आना पढ़ा दिए जाओ अगला दिन आना तो दो क्लास होने के बाद एक नया बच्चा ज्वाइन किया हम उसको बोले ना ये चैप्टर होने दो तब ज्वाइन करना तो नहीं नहीं सर हम कल से आएंगे हम ठीक हम उसको ने दोनों वीडियो दे दिए हमें देख क्या ना कर सकते वीडियो उस 11 का बच्चा तो क्या मानोगे तो सर क्या बोल रहे हैं हाँ वो सोचा ऐसे ही सर जाएंगे करेंगे हो जाए थर्ड क्लास में आया उसको कुछ समझ नहीं आया अच्छा जब भी हमने बोकड़ा दिख रहे थे ऐसे लैंड कैपिटल धीरे धीरे लिख रहे थे उसको कुछ समझ में और वो जाते समय बोला ना सर एक दिन था बुला के बता दीजिए हमें काम करा ठीक है आफ्टरनून में एक क्लास है उसी में मेरा बच्चे लोग कम बच्चा लोग हैं आ जाना करना उसी में छः दिन से कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस अभी भी उसको डाउट है रिटर्न इनवर्ड डेबिट में जाएगा रिटर्न आउटवर्ड डेबिट में जाएगा छः क्लास हो कर चुका है पिछले क्लास में उसको क्या हिसाब समझाया जाते हैं तो देखो इसका एक ही आंसर है जो आपको हर एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है आप हर एक क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड कैरेज इनवर्ड है कैरेज आउटवर्ड है तो दोनों डेबिट में आता है तो रिटर्न इनवर्ड में डेबिट में आएगा रिटर्न आउटवर्ड डेबिट में लिखता है अच्छा लगता है एग्जाम यही नहीं था पता ही चलेगा ठीक है तो उसको हम बोले ना कि ये काम करो ये जो रूल्स लिखा हुआ ना रूल वन रूल टू रूल थ्री इसको तो याद होता है क्या करो इसको पहले रट लो तब हम उनको समझाएंगे वो बैठ आधा घंटा बैठे याद किया और उनको सुनाया उसी दिन टैलेंट सीख गया उसी दिन क्या सीख गया तो यदि आप ये नहीं सीखते हैं ना कि लोडिंग कैसे निकालते हैं तो आधा क्लास तो छोड़ दीजिए
आज के बाद छठा क्लास होगा उसमें भी नहीं सीख पाइएगा। अगली बात भेजिए। अच्छा इसका अंदर फिर से हम लोग बैक करेंगे। ये लोडिंग का रूल क्या, लोडिंग निकालने का तीन रूल्स है। पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, आई पी माइनस सी पी। इफ आई पी वैल्यू एंड सी पी वैल्यू बोथ आर गिवन तो उस फॉर्मूला निकालेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या दिया है उसमें, वो नहीं भी हो सकता ना, और है लिखा हुआ ना। दूसरा क्या है, सी पी रहेगा तो परसेंटेज किसका लिखेंगे, सी पी का। पत्थर का लकीर है मुन्ना, दुनिया इधर का उधर हो जाए, बात से मत हटना। यदि अमाउंट सीपी का है तो परसेंटेज किसका लिखेंगे, नहीं सीपी का परसेंटेज है तो उसको निकाल लेंगे, निकालना सिखा दिए। थर्ड रूल है, यदि अमाउंट आईपी का होगा परसेंटेज किसका होगा, अमाउंट यदि आईपी 50,000 का है क्वेश्चन परसेंटेज कॉस्ट का दे दिया और आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आज की छठा क्लास विषय नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए पहला ध्यान रखिए, जब भी हम कोई चीज पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने से क्या, कैसे सब में क्या क्या फंसते हैं, क्या नहीं होता ना, डिस्कस करते हैं उसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, उससे आपका इम्प्रूवमेंट ज्यादा होगा। हम तो 25 साल से पढ़ा रहे हैं, आप कितना इम्प्रूवमेंट करेंगे ना रजत। इसका मतलब 50,000 आईपी वैल्यू है और ये जो 25% है, 50,000 को 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीवन में कभी सम्स नहीं बनेगा। जानते हैं क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये अमाउंट आईपी का है और ये अमाउंट क्या है, ये कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट का परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करना है, आईपी में कन्वर्ट करना है। तो 25/100 लिखा हुआ कॉस्ट का, कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है 25% मतलब 25/100। 25 क्या है, 100 क्या है, वो कॉस्ट है। इसको हम सेल में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 25, नीचे क्या लिखेंगे। ठीक है, आइए, कुछ नहीं है चैप्टर, कुछ तो ही नहीं है, आप लोग घबरा जाएगा। सबसे फर्स्ट एंट्री क्या लिखेंगे। अच्छा, किसी क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री थी कॉस्ट प्राइस में दिया रहे, उसमें लोडिंग को ऐड करके उसको इनवॉइस प्राइस में लिखना है। जैसे पिछले साल में आप लोग भी करके लाए थे। कल कोई बच्चा हमको होमवर्क भेजा था व्हाट्सएप में, ठीक है, तो इसमें डाउट था, शायद हम नहीं बोले होंगे, ध्यान रखना। फर्स्ट एंट्री लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये किस वैल्यू पे होना चाहिए, ये आईपी पे होना चाहिए। इफ कॉस्ट इज गिवन, कॉस्ट में दिया रहे तो कॉस्ट में लोडिंग को ऐड कर देना। आईपी का फॉर्मूला लिखा हुआ क्लास में, आईपी का जो क्या होता है, कॉस्ट प्लस लोडिंग, कॉस्ट में लोडिंग ऐड कर देना। ठीक है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अमाउंट कितना होगा 50,000, रेट में क्या लिखेंगे बताओ, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नरेशन क्या होगा, छोटा सा लोडिंग, ब्रैकेट देता हूं, 50,000 × 25/100, कैलकुलेशन करना, शायद 10,000 होगा। हेलो, क्लियर सबका, देख क्या बोला है, मूर्ति पेड देर ऑन 2500 रुपया एज फॉर फ्रेट एंड 1500 रुपया फॉर इंश्योरेंस। ये कौन पेमेंट किया है, मूर्ति, मूर्ति कौन है, कंसाइनर, टू बैंक अकाउंट, फ्रेट इनर कॉलर 2500, इंश्योरेंस 1500, 4,000। ड्यूरिंग ट्रांजिट वन टेंथ ऑफ गुड्स वेयर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द सम ऑफ 2400 वाज रियलाइज्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, रास्ते में डैमेज हुआ है। ठीक है, ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स, प्रसाद पे, प्रसाद खर्चा लिख लो, प्रसाद खर्चा क्या बोल के लिखेंगे,
टू प्रसाद अकाउंट, बताओ क्या क्या खर्चा है। कैरेज टू गोडाउन, कैरेज एटीन हंड्रेड पर एक और कोई खर्चा है कैप्चर करके गोडाउन ड्यूरिंग द ईयर प्रसाद पे गोडाउन एंड 36 रुपया सेलिंग एक्सपेंस ना गोडाउन है कत आ बोल 36 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कत आ बोल 7300 क्लियर सबका। अब क्या बोला क्वेश्चन में 1/9 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वर अगेन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फिर से डैमेज हो गया। अब जो बचा हुआ गुड्स था उसका 1/9 फिर से डैमेज हो गया, कहां पर देखो तो इन गोडाउन, गोडाउन में जब गुड्स पहुंचा 1/9 फिर डैमेज हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला देखो कहां तक थे एंड नथिंग रिकॉर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी On 30 जून को प्रसाद सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स कंसाइंड फॉर 30,000 एंड चार्ज कमीशन 5% ऑन सेल्स। इससे ज्यादा किसी क्वेश्चन में होता नहीं है, गुड्स डैमेज होगा बेचेगा, इससे ज्यादा किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। आ जाओ क्रेडिट में आ जाओ, बाय प्रसाद अकाउंट नरेशन क्या होगा बता पाइएगा, कैलकुलेशन नहीं करना, कैलकुलेशन करके दिया हुआ है 30,000 कमीशन कितना परसेंट है उसका 5% डेबिट में आ जाओ तो प्रसाद अकाउंट पांच परसेंट 1500 क्या बाय ट्रेड में क्या लेते हैं आप नॉर्मल लॉस, नाम चेंज कर दें क्या बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट नोट्स नंबर 1, फिर क्या लिखेंगे बताओ तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक ब्रैकेट में नोट नंबर चले नोट चले लॉस्ट
गुड्स कंसाइन क्वांटिटी कितना बताओ? 10 की बोल चीज ले बाबा शाम पहले या अच्छे से बोल के ना 50,000 एड कंसाइनर एक्सपेंसेस 4,000 54,000 less 110 का मतलब 10 ना मोहित समझ में आ रहा क्या पसंद था के बोल कैसे निकाले बता सर 90 होगा मतलब 49,600 तो बच्चा भी समझ जाएगा लेस करके लिखे मैंने हमने ये कहा कहाँ से लाए हैं सर मेरा 10% गुड लॉस हुआ कहाँ लिखा 10% 1/10 10% मैंने लिखा कहीं पर 100 का 1/10 निकाले 110 हाँ 1/10 निकाले 100 का 1/10 निकाले ये कहाँ से लिया है सर 54,000 का 10% होगा सर अच्छा लेस होगा पर 49,600 इसमें क्या करेंगे ऐड बताओ तुम कंसाइनी नॉन एक्टिंग एक्सपेंसेस कितना बताओ कंसाइनी नॉन एक्टिंग एक्सपेंस कितना बताओ कौन सा लेंगे उसमें से डैमेज हुआ है क्या एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन abnormal loss in godown kitna loss hua 1/9 of what english padhna hoga of the 1/9 of the ye bahut important baat hai theek hai matlab 1/9 jo hai kiska 1/9 bola hua question jo bacha hua hai 90 ka 1/9 kitna hota hai 10 theek hai samajh rahi ho iska bhi 1/9 nikalo कितना बचा आपके पास 80 ये बचा कितना बचा 44,800 सही है सबका अच्छा क्वांटिटी सोल्व क्वेश्चन पढ़ो सब इंग्लिश स्टूडियो वाले बच्चे लोग है ना क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़िए शशि जोर से क्वेश्चन अरे पढ़िए ना सुनाइए ना पढ़िए सब पढ़िए 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 सर सर पढ़िए 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 सर बाय 38 आराम से बैठ के आराम से बैठ के 1998 प्रसाद सोल्ड हाफ द गुड्स कंसाइन फॉर हाफ ऑफ द गुड्स हाफ ऑफ द गुड्स इसलिए पढ़ने बोल रहे हैं बार बार सम सम जल्दी जल्दी करके क्या करेंगे तो मतलब मेरे बच्चों को सीखा ही नहीं क्या लिखा वाजपेयी हाफ ऑफ गुड्स गुड्स कंसाइन कितना आपका 100 यदि बोलता कि हाफ ऑफ गुड्स रिसीव्ड तो किस पे निकाल दे 90 पे निकाल दे 80 पे क्यों निकलता तो लॉस तो उसके पास पहुंचने के बाद हुआ उसको तो 90 मिल गया था ना इसका मतलब क्वांटिटी सोल्ड हाफ ऑफ गुड्स कंसाइन मतलब 100 का हाफ 50 बेचा है ठीक है 80 में से 50 भी गया क्वांटिटी सोल्ड
क्वांटिटी अनसोल्ड 80 में से 50 बिक गया, कितना बचा? 30. सुमित समझ रहा? हाँ सर. देयरफॉर वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालेंगे? 44,800 जो है 80 का है, 30 का निकाल 16,000. रेडी है क्या? हटाए डिस्ट्रॉयड बाय फायर पैटर्न लिखना. एक बार कितना हुआ था? 5400. फर्स्ट टाइम हुआ था 5400 प्लस 5600 बताओ 11,000. एबनॉर्मल लॉस कितना निकाले थे हम लोग? 16,000. ठीक है, डेबिट में क्या हटाएंगे बताओ? डेबिट क्या हटाएंगे? देखो टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट लोडिंग कैसे निकालेंगे बताओ? मैं कैसे निकालूंगा? 10,000 फुल लोडिंग है, 10,000 फुल लोडिंग है, 11,000 पक्का? फिर से सुन लो, वाजपेयी फिर सुन लीजिए. आप देखिए ये गुड्स लॉस बाय फायर है. जब भी कभी लोडिंग निकालने के लिए बोलेंगे, आपका यदि मन बोले भी ना इसको निकाल ले लोडिंग, तो मन का बात मत सुनना, दिमाग का बात सुनना. ठीक है, लोडिंग कभी भी लॉस वाला वैल्यू पर या स्टॉक वाला वैल्यू के ऊपर लोडिंग नहीं निकलता है. लोडिंग हमेशा ही लोडिंग वाले फिगर से निकलेगा. लोडिंग हमेशा जो लोडिंग वाला फिगर है उससे निकलेगा. ठीक है, ये लोडिंग कितने गुड्स का है? कितने गुड्स का लोडिंग है? 100. डैमेज कितना हुआ है? एक बार 10, एक बार फिर 10. देख लो चार्ट, देख लो 20/100 2,000 का लोडिंग. टू टू स्टॉक रिजर्व ये कैसे निकालेंगे बताओ? तो 10,000 इंटू कितना बचा हुआ आपके पास? 30 क्या? हाँ, तो 100 का है 10,000, 30 का कितना होगा? 3,000. देखो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट ऑन कंसाइन पेमेंट देखो, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइन कितना? नहीं, टोटल कितना होगा बताओ? 67,800.
गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट में ट्रांसफर करो परसों, क्या लिखेंगे बताओ तुम? टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना लिखेंगे? 11,000 ठीक है। कहाँ से लिखे बता तो? कंसाइनमेंट के ट्रेड में लिखा हुआ बाय गुड्स एंड ना, यहाँ क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट ठीक है। फिर देखो कंसाइनमेंट डेबिट में क्या लिखा हुआ है? कंसाइनमेंट के डेबिट में क्या लिखा हुआ है? जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, उसको यहाँ क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। छोटा सा नरेशन होगा, लोडिंग कितना बताओ? बाय बैंक अकाउंट, ये क्या है बैंक अकाउंट बताइए तो? 2400 किसे बंद करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस 6600, 6600। अगला कौन सा अकाउंट है? प्रसाद, ट्रांसफर करो प्रसाद में, लिखो टू टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल प्रोसीड बोलो 30,000 ट्रेड में आ जाओ बाय बाय कंसाइनमेंट, क्या लेंगे बताओ तो? पहले एक्सपेंस कितना? एक्सपेंस 7300 एक्सपेंस है, तो फिर क्या लेंगे हम? तो कमीशन कितना बताओ? 1500 कमीशन है, 1500 टोटल 8800 ठीक है। एडवांस दिया था क्या बोलते तो? बाय बैंक अकाउंट बैलेंस इन फिगर 2100 टोटल 30,000 एक्सपेंसेस पड़ गया तो क्या भी तो पड़ गया वीडियो लिंक, क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट का, सब देख लिए? एक नहीं देखी हो? एक मैंने देखी, हर देख लिए पूरा? सुनिए, आपने वेडनेसडे वाली क्लास है, वो इसलिए किसका किसका कॉलेज है?
कितने बजे कॉलेज है? एक वेडनेसडे हम लोग कैसे रखते हैं, 10 बजे से रखते हैं, तब एक 11:30 बजे छोड़ के चले जाइए कॉलेज। यहाँ से पानी से बस पकड़ेगा कॉलेज ना, या साइन ऑफ कर दे। नींद नहीं खुलता सर, बहुत तकलीफ होता है, वही वाला सपना देख रहे सर, यार वो अपनी खा लिया, जल पर आ गया सर। सुनो ना, 2 साल से सो रहे हो, अब आदत तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा वेडनेसडे तो 7:10 बजे, 7 का मतलब जैसे 10 घंटा जाएगा स्टार्ट, पर आप लोग जिसको सोने की आदत है ना वो थोड़ा ठीक कर जा रहा सर। हाँ सर, हम वो 2 साल से आप लोग सो रहे हैं, इसका मैटर लीजिए, हाँ बोलिए क्या बोल रहे ना थोड़ा सा।